कीता जा खबर। जबलपुर बम्बई गरीब रथ एक्सप्रेस में एक चौंका देने वाला वाकया उस वक्त पेश आया जब एसीजी में सांप देखा गया, जिससे रेलवे हुकाम ने फौरी कार्रवाई की। तिरुमला लड्डू वाकया ने अकीदतमंदों को चौंका दिया है। एक चौंका देने वाला वाकया उस वक्त पेश आया जब एक अकीदतमंद पद्मावती, जिसने हाल ही में अपने रिश्तेदारों के साथ तिरुमला का दौरा किया, तो मुकद्दस तिरुमला लड्डू में एक गैर मुतवक चीज मिली। पवन खेरा ने कानपुर में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश पर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। बीजेपी एक मजबूत हुकूमत होने का दावा करती है। बीजेपी 10 साल से मरकज में बक्सर इकतदार है और उत्तर प्रदेश में यूपी में उसकी दूसरी मुद्दत है। श्रीनगर में 54 साल के बाद सितम्बर में 33.8 डिग्री सेल्सियस दूसरा सबसे ज्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि आज का 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड जम्मू कश्मीर 27.4 डिग्री के मौसम गर्मा के दारकूमत में मामूल से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा था। सेंटीग्रेड इंडिया जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ज़राए ने बताया कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िला में दोनों के दरमियान ताज़ा रबते के बाद इतवार की शाम को सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी रहा। इसराइल ने मगरबी किनारे में अल जजीरा का दफ्तर बंद कर दिया। इसराइली फौजियों ने इतवार की सुबह इसराइली मकबूजा मगरबी किनारे में खतरी नशरियात इदारा अल जजीरा के दफातर पर धाऊ बोल दिया। नीतीश कुमार ने दरगाह हजरत शाह जलील शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर चढ़ाई। इमाम मौलाना असमतुल्लाह रहमानी ने वज़ीर आला से रियासत के खुशी अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने रियासत के लोगों के दरमियान बाहमी इफहाम व तफहीम, भाईचारे और हम आहंगी के रिश्ते को मजबूत बनाने की दुआ दी। शमाइल इसराइल में हिजबुल्लाह ने 100 रॉकेट फायर किए, हमले के सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह ने इतवार के दिन शमाली इसराइल के अंदरून दूर तक 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए।